जी हाँ नमस्कार साथियों, एक और बड़ी खबर उदयपुर जिले से मिल रही है। जिले से एक और बड़ा मामला सामने आ रहा है। दरअसल मामले की जानकारी में सामने आ रहा है, कृषि मंडी की दुकान नंबर 10 के मालिक विनयकांत मंगलवार की शाम करीब 5 बजे अपने स्टाफ के साथ बैठे हुए थे, लेकिन कुछ देर बाद ही बगल में ही नई दुकान की नींव खोदी जा रही थी। अचानक धमाके के साथ तेज आवाज हुई, जिसमें विनयकांत की दुकान की दीवार ढह गई थी। बताया जा रहा है कुछ समझ में नहीं आया। इसके बाद स्थानीय लोगों की सूझबूझ के बाद जानकारी में सामने आया कि दुकान की नींव ढहने के चलते 3 लोगों की सूचना मिली है। इसके बाद पुलिस प्रशासन को सूचना दी। मौके पर SDRF की टीम रेस्क्यू किया, जिसमें 3 सांप बरामद किए गए। जानकारी में सामने आई जिसमें 2 कस्टमर और 1 अकाउंटेंट की सूचना है। फिलहाल पुलिस प्रशासन का कहना है, इसके बाद आनन फानन उन्हें राजकीय CHC लाया, जहां पर उन्हें 2 घोषित कर दिया है। फिलहाल पुलिस प्रशासन का कहना है कि दरअसल जिनमें पहचान हो पाई है कस्टमर नीलेश मेनारिया वे भावेश तंबोली और दुकान के अकाउंटेंट जयपाल सिंह, इन 3 लोगों की पहचान हो पाई है। वहीं पुलिस प्रशासन का कहना है, दरअसल शाम करीब 5:30 बजे जयपुर से उदयपुर लौट रहे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी एयरपोर्ट से सीधे MB अस्पताल पहुंचे थे, जिनके हालात ठीक नहीं थे। उनसे मुलाकात की है, साथ ही मृतक परिवार के 2-2 लाख रुपए देने की घोषणा की है। जिनके हालात ठीक नहीं है उन्हें 50,000 रुपए की भी घोषणा की है। फिलहाल मामले की जानकारी थानाधिकारी राम सुमेर मीणा को सौंपी गई है। मामले में अनुसंधान किया जा रहा है। सो दोस्तों, आप सभी को इस प्रकार की खबर दिखाना, विचलित करना नहीं और ना ही आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना है, बल्कि समाज में घटित होने वाली सभी घटनाओं से सचेत रखना है। सो दोस्तों, प्रदेश भर की तमाम खबरों के लिए बने रहिए चैनल से। अगर आप चैनल से नए जुड़े हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद दोस्तों।